हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया में। फ्रेंड्स, मैं शेफ शगुन आज बनाने जा रही हूँ सर्दियों की सबकी फेवरेट आलू मेथी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इसमें एक बड़ी करछी मैंने ऑयल की भी डाल दी है। ऑयल को अच्छे से मैं गर्म होने दूँगी। तो देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच जीरा। तो देखिए, आलूओं को मैंने यहाँ पे छोटा छोटा कट किया है, आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर कर लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी रेसिपी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए, आलू यहाँ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बंच मेथी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी। तो फ्रेंड्स, मेथी सर्दियों के मौसम में आलू मेथी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। ये सब्ज़ी बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी भी है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, और सारे मसालों को भी मैं अच्छे से आलू के साथ भून लूँगी। तो देखिए, आलू यहाँ गल गए हैं। अब यहाँ पे मैंने ये मेथी ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसे चॉप कर लिया था, इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मैं इसे अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। मेथी को, मेथी का असली स्वाद जो है वो उसे भूनने में ही आता है। अगर आपने मेथी को भूना नहीं तो उसका जो बढ़िया सा फ्लेवर आता है वो नहीं आएगा। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला, इसे भी अच्छे से मैं इसके साथ मिला लूँगी। तो लीजिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है, इसे मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही लो गैस पे पकाऊंगी। बीच में मैं इसे एक बार चेक करूंगी कि सब्ज़ी हमारी अच्छे से बनी है या नहीं, और पानी कम तो नहीं है, क्योंकि हमें मेथी को अच्छे से गलाना है और आलू को भी। तो अब मैं इसे ढक दूँगी। तो देखिए, इसे पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर एकदम तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, पराठा या पूरी के साथ भी। तो देखिए, हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। खाने में बेहद ही टेस्टी और उतनी ही न्यूट्रिशियस भी ये सब्ज़ी होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।